श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि रामा निज मन मुकुर सुधारि वरणउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि तुलसी जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानि के सुमिरो पवन कुमार रामा सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार तुलसी हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुमिरे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर शिउर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोज सकावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित हरीसा जब कुबेर दिक पाल जहाते कवि को विद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राज पद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर मानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही जल दिलांग जय अजरज नानी दुर्गम काज जगत के जेते सुगमानुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे ओत नाग्या बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहु को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा
तुम्हरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरही, हनुमत से सर्व सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, तीजे नाथ हृदय महाडेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप रामा, मंगल मूरति रूप राम, लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, तुलसी बसहु सुर भूप। We start with the invocation to Hanumanji to invite his presence in our reading of the Ramcharitmanas. It is said that wherever the Ramcharitmanas is read, Hanumanji joins that gathering. He participates in the reading of the Ramcharitmanas. Now these things to our modern mind can sound very strange and absurd. But all of spirituality is a question of faith. And if you have faith that this is true, then His presence, His light will be undeniable for you. He is not interested in the quality of our pronunciation, in the accuracy of the translation. He is only interested in our love that we feel for God. So if you remember Ramji with full heart, then Hanumanji is bound to be there with us, blessing us. He is always there with us, but so beautifully there with us in this way. So when we make the invocation to Hanumanji, we should make sure that we are singing in full devotion to Ram, in full devotion to Hanuman. So as we sing the Ramcharitmanas today, let's make sure that we sing in one voice and we sing in our heart, praying to the Lord in every word, in every sentence, enjoying the beauty of Tulsidas ji's beautiful composition, but fully immersed in devotion to God. And you will see that all the lessons from the Ramcharitmanas then become apparent to you. And the sage Tulsidas ji himself will bless you with true insight. So let's worry less about the way we are singing,
any of the outward things, they are secondary. What is primary is that, are we invoking God's presence? Are we reading the Ramcharitmanas as disciples of the Atma, disciples of Tulsidas ji, of Hanuman ji? And if we learn to read like this every satsang, then that spills over into the rest of our lives as well. That we learn to live in this holy discipleship of the true Sadguru within. So let's sing full heartedly with love and devotion. सब सन कहा बुझाई विधि तनुज निधन सब होइ राम तनुज निधन तब होइ शंभु शुक्र शंभूत सुत एहि जीत हिरन सोइ तुलसी एहि जीत हिरन सोइ मोर कहा सुनि करउ पाई ईश्वर करी सहाई सती जो तजी जनमी जाई माचल राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम तेहि तपु कीन शंभु पति लागी शिव समाधि बैठे सब त्यागी जदपि अहि असमंजस भारी तदपि बात एक सुनहु हमारी पठवहु काम जाइ शिव पाई करे छोभु शंकर मन माही सब हम जाई सिवहि सिर नाई करवाउ बबि बाहु बरियाई एहि विधि भले ही दे बहित होई मत अति नीक कहई सब कोई स्तुति सुरन कीने अति हेतु प्रगटे विषम वानर सके सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सुर
सुन कही निज विपति सब सुनि मन की न विचार रामा सुनि मन की न विचार शंभु विरोधन कुशल मोही बिहसि कहेउ असमार तुलसी बिहसि कहेउ असमार सुरन कही निज विपति सब सुनि मन की न विचार रामा सुनि मन की न विचार शंभु विरोधन कुशल मोहि बिहसि कहेउ असमार तुलसी बिहसि कहेउ असमार तदपि करब मैं काज श्रुति कह परम धर्म उपकारा परहित लागित जई जो संतत संत प्रसन्न सहिते रास कही चले सब ही सिरुना सुमन धनुष कर सहित सहाय चलत मार हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा तब आपन प्रभाव बस की न सकल संसारा कोपे जब ही परिचर के तू क्षण महु मिटे सकल श्रुति से तू ब्रह्मचर्य व्रत संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप जोग विरागा सभय विवेक कटकु सब भागा सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम Let's do one thing. Let's look at the first set of chapters. तदपि करब मैं काजू तुम्हारा दिस इज अ ब्यूटिफुल सेट ऑफ वर्सेस एंड द लास्ट चौपाई एक्चुअली गिव्स अस द रोड मैप फॉर अ स्पिरिचुअल लाइफ वेयर ऑल दैट इज नीडेड फॉर अस टू लीड अ स्पिरिचुअल लाइफ इज टॉक्ड अबाउट सो तुलसीदास जी इज टॉकिंग अबाउट द क्लासिक battle between temptation and our spirituality, our devotion to God. So, what we should also do is practice a bit to sing in one voice. So, if you look at the first chapai, let's repeat it together so that it sounds like it is one organism which is singing together. Shall we practice it a bit? तदपि करब मैं काजू
गर्भ में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागित जय जो तत संत प्रसंसहिते। That's much better. Very nice. Let's do one thing. We must make sure that we must be able to hear everyone else at least as much as we are able to hear ourselves, and that will keep us in that togetherness of the. So there's great power in all of us praying together. But we must try to sing in one voice, in one companionship, one belongingness, one beingness. So God doesn't hear us trying to communicate with Him alone, but the entire Sangha is felt to be collectively bowing down to Him. So try to hear everyone else also as we are singing. सुरन कहीन जब विपति सब सुनि मन कीन विचार राम, सुनि मन कीन विचार शंभु विरोध न कुशल मोहि बिहसि कहेउ असमार, तुलसी बिहसि कहेउ असमार। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागित जय जो देही, संतत संत प्रसन्न सहिते। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। Let's do the same verse again 2-3 times so that we get into the rhythm of singing like this, singing for God in our heart primarily and outwardly as a form of devotion to Him, but full-heartedly singing as one voice to God with our brothers and sisters, not wanting to stand out in any way, just hearing as much as singing, enjoying the devotion of our brothers and sisters along with sharing our devotion together in that. I was saying that we'll repeat this chopai a few times because sometimes we get into the pressure of not pronouncing the words properly and it's a new language for all of us. So let's get into the rhythm. We'll repeat this chopai maybe 3-4 times so we get into the way of singing this. तदपि करब मैं करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागित जय जो तत संत प्रसंसहिते। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकार,
परहित लागित जय जो संतत संत प्रसन्न सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम तदपि करब मैं काजु तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा परहित लागित जय जो संतत संत प्रसन्न सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय रब मैं काजु तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा परहित लागित जय जो संतत संत प्रसंसहि राम सिया राम जय जय राम सो ब्यूटीफुल द टेक्सचर इटसेल्फ सीम्स सो डिफरेंट नाउ Now just full sweetness, Ramji is listening to us with all our love in our heart, with full sweetness, let's, every syllable let's immerse in full love for God, full sweetness for God. And in the same way, hearing everyone as importantly, if not more importantly, than singing ourselves and trying fully to sing together in one voice. तदपि करब मैं काजु तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा परहित लागित जय जो देहि संतत संत प्रसन्सहिते राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम अस्तदपि करब मैं काजु तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा परहित लागित जय जो देहि संतत संत प्रसन्नसहि तेहि राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम The feeling should be is to keep ourselves immersed in his presence
All of our reading, all of our singing was just an invocation to be with God, an instrument to be with God, to invoke the feeling of love, to invoke the presence of the great sage Tulsidas Ji, to invoke the presence of Hanuman Ji to bless our reading and to be with us as we go through it, and to enjoy the presence of Ram, and to spend the rest of the time that we have between now and the next reading as much immersion in God as possible.